हाँ जी, तो कल आप लोग सुन आए हैं कि मुक्ति किससे होती है। तो बतलाया था मुकुंद भक्ते, क्या करने से? मुकुंद की भक्ति करने से। तो मुकुंद कौन है? मुकुंद जो परमात्मा, मुकुंद कौन है? जो परमात्मा, जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उस परमात्मा की भक्ति से क्या होता है? मुक्ति की प्राप्ति। फिर यहीं पर इन्होंने पूछा था कि मुकुंदा कहा, कि मुकुंद कौन है? तो बताया था यह तारयेद अविद्यायाम, अविद्याम जो क्या करे, अविद्या से पार करे। मुकुंद कौन है? जो अविद्या से पार करे। देखो तीन तत्व है ना, ईश्वर गुरु और आदि, कितने हो? ईश्वर गुरु और आत्मा, श्लोक बोलते हैं ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति भूतिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कितने हुए? तीन मूर्ति है। कितनी मूर्ति? ईश्वर गुरु और आत्मा, तो तीन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन गुरु क्या करता है? मूर्ति भेद विभागिने, जो इन मूर्तियों में जो भेद है उस भेद का जो खंडन कर दे, नाश कर दे। जो ईश्वर है वही गुरु है, जो गुरु है वही आत्मा, समझ आया? जो ईश्वर है वही क्या है? गुरु है। और जो गुरु है वही क्या है? आत्मा है। क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? तत्व है। तीनों के तीनों तत्व है, चेतन है, तो एक ही है ना। वो तो मूर्ति के कारण से, जैसे मिट्टी एक और मिट्टी के मूर्ति बना दी तीन, तीन मूर्ति बना दी, वास्तव में क्या है? एक मिट्टी ही तो है। तो वैसे ही जो ईश्वर गुरु आत्मा, और यहां तक कि हम तो जगत भी बोलते हैं, जगत के लिए भी क्या बोला? जगत की ब्रह्म रूपता आप लोग श्रवण कराए हैं ना विवेक चूड़ामणि में, अनेक प्रकार से जगत की ब्रह्म रूपता बतलाई है ना। दूसरा जो अध्यस्त होता है उसकी अधिष्ठान से भिन्न सत्ता होती नहीं है। जैसे जो कल्पित सर्प है वो रस्सी से भिन्न है क्या? रस्सी रूप ही है ना, रस्सी रूप ही हो जाता है। वैसे ही सारा का सारा द्वैत प्रपंच अपनी आत्मा में अध्यस्त है, आरोपित है, कल्पित है, इसीलिए क्या हुआ? सबका सब आत्म रूप ही। तो तीन जो दिखते हैं वास्तव में उनके भेद का विभाग को, भेद का जो खंडन कर दे वे, वही गुरु है। समझ आया? जो ईश्वर में है ईश्वर ही गुरु है, मतलब गुरु, पहले ईश्वर अलग, फिर बाद में क्या समझ में आता है कि गुरु ही ईश्वर, और फिर समझ में आता है अपनी आत्मा ही ईश्वर है और अपनी आत्मा ही गुरु। समझ आया? तो तीनों के तीनों क्या हो गए? एक हो गए कि मैं आत्मा हूं। तो उसी के लिए कहा है कि जो मुकुंद की भक्ति करे, तो मुकुंद क्या हुआ? मुकुंद परमात्मा। फिर उन्होंने बताया विधा, वही मुकुंद वही है जो अविद्या से पार कर दे।
तो परमात्मा ईश्वर भी हुआ और गुरु भी हुआ और आत्मा भी हुआ, है ना। अविद्या क्या बदलाई थी, आत्मना अस्फुरति, अपनी आत्मा का स्फुरण ना होना। अब सबको अपने आप का स्फुरण तो होता है, लेकिन होता क्या है, उपाधि के साथ होता है, उपाधि से अलग अपने आत्मा अपने आप का स्फुरण नहीं होता है। शरीर को साथ लेकर के हो रहा है ना स्फुरण, इंद्रियों को, प्राण अंतःकरण को लेकर के हो रहा है ना स्फुरण, मैं हूं, लेकिन इनसे अलग, इनसे रहित अपनी आत्मा का स्फुरण न होना, अर्थात जो विशुद्ध है, जो निर्विशेष है, जो निरुपाधिक है, उसका स्फुरण न होना, यही अविद्या है। तो स्फुरण तो हो जाता है ना, हो ही रहा है कि मन बुद्धि का भी जो साक्षी है, और मन भी जिसमें विलय हो जाता है, और जो चिन्मात्र शेष रह जाता है वही आत्मा है, और यही आत्मा का स्फुरण है, और यही आत्मा का साक्षात्कार है, और यही आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, तो ये हो चुका है आज। आप लोग 57वां श्लोक दे, कस्य नाशोको यः स्याद क्रोधः किं सुखं तुष्टिः को राजा रञ्जनकृत कश्च स्वानीच सेवको यः स्यात्। ध्यान दिया करो, बोला ना क्या करो, है 50 साल से जिन श्लोकों को बोल रहे वो तो एक शुद्ध नहीं बोला जाता, ध्यान देना चाहिए ना कि क्या बोल क्या रहे हैं, लिखा क्या है। कश्य नाशोकः यः स्याद अक्रोधः किं सुखं तुष्टिः कः राजा रंजन कृत कः च श्वा नीच सेवकः यः स्यात्। कस्य नाशोकः, शोक किसको नहीं, किसको शोक नहीं, जो कभी भी शोक निमग्न नहीं होता है, किसको? उत्तर क्या दिया है, अक्रोध, जिसको क्रोध नहीं है। दिमाग लगाओ, यहाँ क्या है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। अब आप लोग तो क्या है कि दिमाग लगाना चाहते नहीं है, सब कुछ क्या तैयार, करी कराई रसोई पाने का क्या हो गया है, अभ्यास हो गया ना, पका पकाया खाने का अभ्यास हो गया है, फिर पकाना पड़े तो है अभ्यास ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पकाना पड़ेगा। तो कह दिया है शोक किसको नहीं है, जिसको क्रोध नहीं। तो ये तो एक कार्य मात्र है क्रोध, तो वास्तविक कारण क्या है, तो कारण की तरफ बढ़ेंगे ना, तो पहले क्रोध ही ले लो, कार्य को ही ले लो। आदमी क्रोध में आकर के क्या करता है, गलत कर देता है, गलत बोल दिया, गलत कर्म हो गया, क्रोध में आकर के डंडा मार दिया, धक्का मार दिया, तो फिर बाद में क्या होता है, पश्चाताप होता है ना, शोक होता है ना। क्रोध में आकर के कुछ अनर्गल बोला गया तो फिर क्या होता है, शोक होता है, नहीं होता है, हैं? हाँ। और देखो द्रौपदी को कितना शोक हुआ, हैं? बोला गया, मुख से निकल गया तो कितना शोक हुआ ना उसका, सब कुछ उजड़ गया, कितना विनाश हुआ। तो क्रोध के कारण से क्या होता है,
शोक होता है ना बाद में, अश्वत्थामा दुर्योधन उनको भी शोक हुआ ना, मार तो दिए पांडवों के पुत्र, बाद में क्या हुआ, शोक हुआ कि अरे हमारे से तो वे अबोध निरपराध बालक मारे गए, शोक हुआ ना वैसे। अच्छा ये तो कार्य क्रोध की बात बताई है, लेकिन अब आप ये बताओ क्रोध की शुरुआत कहाँ से, कामना से। चित्त में कामना हो और वो कामना पूरी ना होवे तो किसका जन्म होगा, क्रोध का जन्म होगा। किसका जन्म हुआ, तो कामना के कारण से शोक होता है, लेकिन वो भी कार्य ही है। वो किसका काम है, काम किसका कार्य है, अविद्या का। अविद्या के कारण ही तो कामना का जन्म है, है? इसलिए अविद्या अज्ञान के कारण से कामना का जन्म होता है, और अविद्या स्वरूप का स्फुरण न होने से अपने में जीव भाव मानता है, इसी कारण से शोक होता है, फिर कामना का जन्म होता है, फिर शोक होता है, फिर क्रोध का जन्म होता है, फिर शोक होता है। तो इनका कारण क्या हुआ, कारण तो अविद्या ही हुआ ना। शोक का कारण क्या है, अविद्या, वहां वही मुख्य कारण है। स्वरूप का ज्ञान न होना, बोध न होना, उसी कारण से शोक होता है, क्योंकि उसी से कामना और उसी से क्रोध और उसी से शोक, चार पीढ़ी हो गई ना, अविद्या काम क्रोध और शोक, चार पीढ़ी हो गई है। तो सबका हेतु क्या है, अविद्या ही सबका हेतु, अज्ञान, स्वरूप का ज्ञान न होना, यही सबका हेतु हो गया है। लेकिन स्वरूप का स्फुरण कब तक नहीं होता है, जब तक बहिर्मुखता बनी हुई, जब तक बाह्य दृश्य का राग बना है, तब तक स्वरूप का स्फुरण नहीं होता। दृश्य में राग और दृश्य में सत्यत्व बुद्धि, ये दो ही अविद्या के क्या है, कवच है। दृश्य का राग और दृश्य में सत्य बुद्धि, यही क्या है, अविद्या के कवच है। जैसे कर्ण पहनता कवच पहनते थे ना, कवच जो क्या करें, अस्त्र शस्त्र का प्रहार हो वे तो वो रुक जाए, वो शरीर तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या पहनते, आजकल पहनते ना क्या, बुलेट प्रूफ जैकेट, जिससे कि वो ना पहुंचे गोली अंदर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो वैसे ही ये जो ज्ञान है ना, ये पहुंचता नहीं है आप तक। क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि दृश्य में राग दृश्य में सत्यत्व बुद्धि, इसलिए अविद्या का कुछ बिगड़ता नहीं। अविद्या के कवच पर ही सारे वार हो, इसी पर रह जाते हैं ना, अविद्या तक पहुंचता नहीं। अविद्या के कवच है राग और सत्य बुद्धि दृश्य में। तो अविद्या ही शोक का कारण होगा। तो इसलिए जो अविद्या से परे हो गया, क्योंकि पीछे भी सुनाई है आपने, क्या सुना था पिछले वाले श्लोक में, अविद्या से जो पार करे, अविद्या क्या, अपनी आत्मा का स्फुरण न होना, तो वही प्रसंग जोड़ लीजिए, अविद्या अविद्या दो बार आ गया ना पीछे, तो यहां पर भी शोक से मतलब यही है कि जो अविद्या रहित है वो शोक से मुक्त हो गया।
इसको नाराज जी ने कहा ना कि तरती शोकम आत्मवित, आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है, शोक से परे हो जाता है, शोक मोह का उसको स्पर्श नहीं होता है। किसको? आत्मा को जो जानता है। और जो आत्मा को नहीं जानता है वो निरंतर शोकाकुल रहता है, क्योंकि दृश्य में सत्य बुद्धि है, राग है, और ये जो दृश्य है ये तो परिवर्तनशील है ही, नश्वर है ही, तो फिर क्या होगा? और हम क्या चाहते हैं कि ये अनुकूल बना रहे। अज्ञानी क्या चाहेगा, चाहता है अनुकूल बना रहे, एक रस बना रहे, परिवर्तन ना होवे, नाश न होवे, जीर्ण ना होवे, प्रतिकूलता समस्या ना आए, है ना, ऐसा सोचता है। और ये आते रहते हैं, तो इस कारण से क्या होगा उसको? शोक हो, जो आत्मवेत्ता नहीं है उनको शोक होता है, और जो आत्मा को जान लेते हैं वे शोक के सागर को पार कर जाते, शोक मोह उनको स्पर्श नहीं करता है। तो समझ आ गया जी? जो अक्रोध मतलब अकाम मतलब अविद्या रहिता, जो क्या है, अविद्या से रहित हो गए हैं, उनको शोक नहीं होता है। अब पूछा है जी किम सुखम, सुख क्या है, क्या पूछ रहे हैं? सुख क्या है? तुष्टि ही, सुख क्या है? संतोष। सुख क्या है? संतोष। अब सुख भी आप दो प्रकार का समझिए, हैं? एक तो हो गया साधन रूपा, एक हो गया साध्य रूप। संतोष तो है साधन, और अपनी आत्मा का बोध है साध्य। संतोष होता है तो साधारण सुख मिलेगा, संतोष है ना, संसार में क्या है, संतोष है, सुखी है ना, लेकिन पूर्ण संतोष तो तब तक आ ही नहीं सकता ना, ये तो भय रहेगा ना मैं मर जाऊंगा, ये तो भय रहेगा ना कि ये जगत मैं नहीं देख पाऊंगा, ये तो भय रहता ही है ना कि मेरा जो परिवार है, प्यारे है, वो सब छूट जाएंगे, नहीं? तो जो संतोष है जिसको, उसको सुख तो है, लेकिन परम सुख कहिए वो उसको नहीं हो सकता। परम सुख किसको होगा? ऐसा सुख जिसमें दुख का लेश ना हो। हाँ जी, ऐसा सुख, ऐसा सुख जिसमें दुख का प्रवेश ना हो। ऐसा सुख कब होता है? जब अपनी आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का अनुभव, तभी होगा ना। तो संतोष तो एक साधन है, किसका साधन है? ज्ञान का भी साधन है और सुख का भी साधन है। जिसको संतोष है वही तो श्रवण करेगा, वही मनन कर पाएगा, वही निधिध्यासन कर पाएगा। जो असंतोषी होगा वो तो संसार में ही अपने मन को लगाएगा ना। जिसको संतोष हो गया वही क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा। तो संतोष तो प्रथम साधन है, संतोष तो साधन है। तो संतोष के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, साधन है, लेकिन संतोष के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, ज्ञान, किसका ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान, तब वास्तव में सुख की प्राप्ति। तो तब जो संतोष होता है ना,
वो वास्तविक संतोष। ये वाला संतोष साधन रूपा है और वो वाला संतोष साध्य रूप। ये वाला संतोष क्या है? हाँ जी, समाधि, साधन और साध्य। इसका भेद समझना चाहिए। साधन में संतोष है, सुख है, लेकिन फिर भी असंतोष बना रहता है, मर जाऊंगा, छूट जाएगा, हैं? ये तो असंतोष रहेगा, नहीं रहेगा। पूर्ण संतुष्टि कब आती है? जिसके लिए गीता में कहा है, आत्मरति आत्मतृप्ता आत्मसंतुष्टा, वो वाला, वो वाला संतोष, समझ लो। हाँ, कभी जो है अभी थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों के, ना तो समझ में आएगा ना वहां तक बुद्धि जाएगी। बुद्धि कहाँ तक जाएगी? जी, बुद्धि जाएगी ज्यादा ज्यादा पेड़ की चोटी तक, हाँ? और यहाँ बुद्धि कहाँ तक पहुंचा रहे? यहाँ पहुंचा रहे सूर्य तक। भेद है ना। अब तो संतोष का मतलब साधारण संतोष मानेंगे, लेकिन संतोष पूर्ण संतुष्टि कब होती है? जब अपनी आत्मा जो पूर्ण है, जो नित्य मुक्त है, जो अद्वितीय है, जो ब्रह्म है, केवल है, उसकी केवलता का जो अनुभव है, और उस केवलता में ही क्या रति का, तृप्ति का और संतुष्टि का अन्भव करना। अन्यथा तो क्या होता है, एका किनारे में, अकेले में आनंद नहीं आता है। इसीलिए फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने, कहते सृष्टि कर दी। अभी ब्रह्मा कौन है? ये आपका मन, मन ही क्या है, ये ब्रह्मा है। ये क्या कर देता है? सृष्टि करता है ना, सारी सारे द्वैत का सृजन कर देता है, क्योंकि अकेले में इसको क्या है, आनंद नहीं आया है। इस तरह है तो सुख क्या है? तुष्टि, संतोष। संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन दूधी संतोष। आनंद है ना, ऐसा है। जब ये साधन रूप संतोष इतना सुख देता है, तो साध्य रूप जो पूर्णता की प्राप्ति, तब तो अलग ही संतोष होगा ना। उसका सुख भी कैसा होगा? अलग ही। तो सुखम किम संतुष्टि, तुष्टि में ही सुख। कहा राजा, राजा कौन है जी? राजा पूछते, तो कहते रंजन कृत, जो क्या करे, प्रजा का रंजन करे, प्रजा का, प्रजा को जो प्रसन्न रखे, वही क्या है, वही राजा। रंजनम राजा, जो क्या करे, प्रजा का रंजन करे, प्रजा को सुखी रखे, प्रजा को प्रसन्न करे, उनका दुख दूर करे, वही तो राजा है। अब तो राजा का मतलब क्या है, जो ठाट बाट से रहे, जो सबका मालिक बन के रहे, हैं, जो सबके ऊपर हुकुम चलावे, वो क्या है, वो राजा। ऐसा नहीं, राजा का मतलब है मेरे राज्य में कोई भी प्राणी दुख ना पावे, कष्ट में ना हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? राजा। राजा किस लिए बनाया? राजा क्यों है, है ना? और वास्तव में राजा भी तो वही होता है,
अच्छा एक चीज आप बताओ, एक तो रावण भी राजा है और एक राम भी राजा है, हैं? राम के साथ क्या बोलते हैं? राजा राम, क्या बोलते हैं? और एक रावण भी राजा है या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी राजा है। वे राजा होते हुए धन संपत्ति प्रजा के स्वामी होते हुए राजा हो पाए क्या? नहीं, सब चाहते जल्दी जल्दी मरे, जल्दी जल्दी पिंड छूटे, छुटकारा हो। और राम भी राजा है, तो राम क्या है? सबके हृदय के राजा है, हृदय सम्राट बोलते, क्या बोलते हैं आजकल, चलता है ना, क्या हृदय के सम्राट, सबके हृदय पर राज करते हैं। क्यों? किसके कारण से? अपनी सरलता के कारण, निश्चलता के कारण, स्वार्थ रहितता के कारण से, सबसे प्रेम करते हैं इस कारण से, सबके हृदय पर क्या करते हैं। तो वास्तव में राजा कौन है? राम है ना, जो अपने सुंदर स्वभाव के कारण से सबके हृदय पर राज कर रहे हैं, इसीलिए राजा राम। और ऐसे भी राजा जिनसे क्या चाहते हैं, ये मर जाए, कब मरे और कब हम सुखी हो गए, क्यों जी? कब मरे ये, कब गद्दी से उतरे और कब हम सुखी। दशरथ जी ने ही तो देखा, दशरथ जी ने देखा राम सुयोग्य है ही, साथ ही साथ सारी की सारी प्रजा क्या चाहती है, अब राम राजा हो जाए, अब राम को राजा होना चाहिए, क्योंकि राम का स्वभाव ही ऐसा है। राम विनम्र है, सरल है, सबका सम्मान करते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, इसी कारण से सब चाहते हैं कि हमारा राजा कौन हो, राम। दशरथ जी महाराज अब क्या कर दें, त्याग पत्र दे दें, प्रजा की इच्छा, दशरथ जी त्याग पत्र। तो राजा वही है जो प्रजा को रंजन करे, प्रसन्न करे। वो क्या राजा है? जो अपना अपना ठाट बाट क्या है। ऐसे भी राजा हुए जो राज्य का कुछ भी अपने उपयोग नहीं करते, जो थोड़ी बहुत उनके पास होता उसी खेती बाड़ी करके उससे ही गुजारा करते थे। ऐसे राजा रानी भी हुए कि जो कुछ भी राज्य कोष में धन है उसका स्पर्श भी नहीं करते, ऐसे संतोषी और त्यागी ऐसे ऐसे हुए हैं ना। आप सोचिए, समझ आ रहे? तो एक अलग ही मर्यादा और एक अलग ही मापदंड उन लोगों ने तय किया। तो राजा वही है जो अपनी सुख सुविधाओं का नहीं, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान, वही राजा है। कहा चाश्वा, कुत्ता कौन है जी? कुत्ता क्या पूछा है? कुत्ता कौन है? यह नीच सेवक स्यात्। जो नीच सेवक होता है ना, वो कुत्ता होता है। क्या है नीच सेवक? जिसके आश्रित है, जिसके आश्रित शरीर का निर्वाह हो रहा है, भोजन वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, और उसकी ही निंदा करें, उसका ही क्या करें, उसकी ही निंदा करें, द्वेष करें, दुर्भाव रखे, ऐसा जो नीच सेवक है वो कुत्ता होता है। क्या बताया? कुत्ता। जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो रहा है, परिवार का, स्वयं का भरण पोषण हो रहा है,
और उसमें ही जो दोष बता रहा है, कमी बताता है, निंदा करता है, भाई तू है क्यों यहाँ? किसने तेरे को बांध करके रखा हुआ है क्या? है? छोड़ दे, चला जा, लेकिन वहीं रहना। और फिर क्या करना, क्या करना? निंदा करना, दोष दर्शन करना, कमियां निकालना। तो ये क्या होता है, ऐसा जो नीच सेवक है उसको कुत्ता कहा। क्या बोला है? कुत्ता बोला, लेकिन कुत्ता भी कहेगा मेरे को गाली दे दिया आपने। कुत्ता क्या कहेगा कि मैं इतना नीच थोड़ा हूं? कुत्ता कहेगा मैं तो वफादार हूं। कुत्ता भी क्या कहेगा, मैं इतना नीच नहीं जितना वो व्यक्ति नीच है, वो तो बड़ा नीच हुआ ना। कई जगह हम देखते हैं, कई जगह हम गए और कोई जिनके आश्रित है उनकी ही हल्का सा निंदा करता है ना हमारे सामने, गिर जाता है हमारी दृष्टि, हमसे बात भी करना पसंद नहीं, गिर जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अरे तू जहाँ रोटी खा रहा है हैं? और उनकी ही तू निंदा कर रहा है, तेरे किसी ने जबरदस्ती रोका हुआ है क्या? दरवाजा बंद किया हुआ है, भाग जा, चला जा। उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, शून्य वो है ही नहीं, वो जीता हुआ ही मरा हुआ है, उसकी कोई सत्ता नहीं। एक एक दो लोगों को तो मैंने मुंह पे बोल भी दिया था कि अपने बड़ों की जिनमें कोई दोष नहीं है और उनकी निंदा दूसरों से की है? वैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान तो मैंने उनको बोल दिया कि तुम हमारी दृष्टि में बिल्कुल जीरो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। जो अपने माता पिता या अपनी सास ससुर और जिनमें कोई दोष नहीं है, कोई छल नहीं है और उसमें दोष बतावे, तो वो व्यक्ति क्या होता है? सुन, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सर्विस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या कर रही है, लेकिन वो क्या है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जीता हुआ ही मरा हुआ। अपने तो देखना नहीं और दूसरे में बता रहे हैं, अपने जो बड़े, अपने जो बड़े हैं, वृद्ध है और जिनमें ऐसा कोई है नहीं, कोई भेद किसी तरह का, किसी तरह का कोई भेद नहीं है, वो किसी तरह का किसी प्रकार का वो उनके साथ भेदभाव नहीं करते और फिर भी उनमें दोष देखना। हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शून्य होते हैं, कुछ नहीं। कुत्ता तो बहुत काम का है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कह दिया है कि वो जो नीच सेवक है वो क्या है? कुत्ता है। ठीक है, आगे वाला बताया जाए। आगे वाला देखो, को माई परमेशः कह इंद्र जालायते प्रपंचोयम् कह स्वप्न निभो जाग्रत व्यवहारः सत्यमपि च किं ब्रह्मा। कह माई परमेशः कह इंद्रजालायते प्रपंचः अयम् कह स्वप्न निभः जाग्रत व्यवहारः सत्यम अपि च किं ब्रह्मा। इनकी सेठ जी वहां बैठी है माई, उसकी आवाज आ रही है, आपकी यहाँ से भी आवाज नहीं आती है। साथ साथ नहीं, पीछे तो बोलो, हैं?
क्यों जी? कहा माही माई माया और माया का जो स्वामी उसके लिए पूछ रहे। माया है ना, माया सुनी है नहीं सुनी? माया तो कहीं बैठी है हा? तो ये माया की बात नहीं है। माया इसके लिए कहा है माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी है ना? माया की बात। माया ने है, तब माया में जीव गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। वो जो माया तो जो माया है, जिस माया का सारा ये कार्य है, सारा का सारा जगत द्वैत जिसका कार्य है, किसका कार्य है? माया का कार्य है ना। तो वो माया का स्वामी कौन है? माया भी तो की सब कुछ माया के अधीन है। ये माया किसके अधीन है? सब कुछ किसके अधीन है? माया के। माया का कार्य है। माया किसके अधीन है? तो कहते परम ईशः, जो परमेशः परमात्मा। परमात्मा क्या है? माया का स्वामी। माया का स्वामी कौन है? परमात्मा। और परमात्मा के ज्ञान से माया क्या होती है? नष्ट हो जाती। परमात्मा को जान लेने पर माया रहती है क्या? क्यों जी? माया क्या होती है? माया का आवरण भंग हो जाता है जिसने परमात्मा को जान लिया। सारे जगत का, सारे दुख क्लेश का मूल माया। जैसे माया स्वप्न में दिख जाता है ना, स्वप्न में हम ठीक ठाक बिल्कुल सुरक्षित सो गए, और क्या देखते हैं अपने आप को? बहुत संकट। क्या देखा? तो वो क्या हो गया? माया से जगत दिखने लगा। माया से क्या दिखा? हाँ? तो कष्ट पाते हैं ना, सुख दुख पाते हैं। तो वैसे ही जब तक स्वरूप में नहीं जगे तो माया से क्या दिख रहा है? जगत दिख। और इसमें रहते रहते व्यवहार करते करते यही सत्य पने का निश्चय हो जाता है, अनुभव में आता है। क्या अनुभव आ रहा है? इसकी स्वप्न रूपता का अनुभव हो रहा है या सत्य रूपता का? है? जबकि है क्या वास्तव में? स्वप्न। लेकिन स्वप्न भी उस समय क्या लगता है? सत्य लगता है। तो वैसे ये भी क्या लग रहा है? सत्य। वो निरंतर व्यवहार इसमें हो रहा है, निरंतर सब कुछ व्यवहार किसमें हो रहा है? खाना पीना लेना देना चलना फिरना बात करना सब कुछ किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है? मिथ्या होते हुए भी सत्य भास रहा है, है क्या? अच्छा एक चीज आपको देखो, विचित्र काम हो गया ना, विचित्र काम हो जाता है। जो मिथ्या है उसके सत्यपने का निश्चय हो गया, अनुभव हो रहा है। जगत मिथ्या है, इसके क्या है? सत्यपने का निश्चय नहीं, अनुभव, अनुभव हो रहा है। और जो सत्य है उसका पता ही नहीं। ये सब किसकी संगति? अभ्यास की बात। इसी का संग होता है ना। संग किसका हो रहा है? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किसका संग हो रहा है? जगत का।
जगत का ही संग हो रहा है ना, तो इसलिए जगत सत्य लगता है। और ये जगत रूपी सागर और किसी तरह से सूख भी नहीं सकता, केवल ज्ञान के द्वारा सूख सकता है संसार सागर। ना तो किसी कर्म से सूखेगा, ना किसी उपासना से सूखेगा, बल्कि कर्म और उपासना से और अधिक विस्तार पाएगा और ज्ञान से तुरंत सूख जाएगा। कर्म किया है? यदि शुभ कर्म किया तो स्वर्ग, और अशुभ कर्म किया तो नरक, तो भी संसारी क्या मिला, संसार मिला। उपासना की तो उपासना से भी क्या मिल जाएगा, परलोक मिलेगा। जिस भी देवता की, इष्ट की, ईश्वर रूप से उपासना करोगे तो क्या होगा, उसी देवता या उसी भगवान के लोक को आप चले जाएंगे। वहां पर भी क्या है, वहां पर भी वही है, क्योंकि मन यही है, तो वहां पर भी राग द्वेष है ही, सुख दुख है ही, क्योंकि मन तो बना हुआ है ना। जहां जब तक मन तब तक संसार, और मन गलित तो हो गया तो फिर क्या है, ब्रह्म रूप क्या हो गया, ब्रह्म रूप हो गया ना। तो जब तक मन है तब तक संसार ही है। मन कहो, जीव भाव कहो, माया कहो, एक ही बात, तब तक संसार है। लोक में चले गए, परलोक में चले गए, वहां भी क्या है, संसार ही तो है। स्वप्न में क्या है, संसार है। जागृत में क्या है, संसार है। सुषुप्ति में क्या है, घन घोर तमोगुण है, घन घोर अंधेरा है। और क्या है, सुषुप्ति में घन घोर अंधेरा है ना। कई लोग जो है ऐसे ऐसे विचित्र मत मतांतर है, कई लोग कहते बस संसार जो ये दिख रहा है ना, प्रकृति यही सत्य है, और ज्यादा ज्यादा फिर वो जो चेतन है वो सत्य है, ऐसा मानते हैं। परलोक आदि को मानते नहीं। उनसे पूछो, ठीक है जी आपकी बात हमने मानी, पर आप स्वप्न को मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं, स्वप्न तो देखा है। जब आपने स्वप्न देखा है तो स्वप्न तो इस प्रकृति में भी नहीं है, इस प्रकृति के अनुसार तो स्वप्न है नहीं, और चेतन के अनुसार भी स्वप्न नहीं है, तो स्वप्न है अनुभव में, कह जी हाँ, तो वैसी परलोक मानने में क्या दिक्कत है, परलोक मानने में क्या समस्या है। तो लोक, परलोक और स्वप्न लोक सब एक ही है, बराबर है, कल्पित है ना। जैसा स्वप्न है ऐसा ही जागृत है जगत, और जैसा जगत है ऐसा ही परलोक। परलोक कितने, वो जितने मान लो आप, विष्णु का मानो, शिव का मानो, और ब्रह्मा का मानो, इंद्र का मानो, और भी जिस जिस का मानना हो, अल्लाह का मानो, गोड का मानो, और इसका जिस जिस का मानना है, सबका है, ठीक है ना। सबके अपने अपने प्लाट है, सबने प्लाट ले ले करके अपने अपने महल बनाए हुए, नहीं जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश में सबके अपने अपने आश्रम, मठ, मंदिर, मकान है, वैसे मतलब क्या है, सब मान्यता ही तो है, सब माने हुए, तो सब सत्य है। तीन तो आप देख ही रहे हो, सुषुप्ति देख रहे हो, स्वप्न को अनुभव करते हो, जागृत को अनुभव करते हो, और चौथा अपनी आत्मा ही है। तो इसलिए परलोक आदि मानने में इनका पूरी तरह से खंडन करना भी मूढ़ता ही सब है, ठीक है ना, क्या है, सब है। अब जो भारत नहीं आया, या भारतवासी जो विदेश नहीं गया, इसका मतलब वो है ही नहीं है,
ऐसे प्रकृति में भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, नहीं अनुभव में आते, इसको मतलब वो है नहीं ऐसा। माया है, माया में तो सब कुछ है और अनंत है, तो उसको मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो कुछ है सब कल्पित है, जो कुछ है सब नश्वर है, कुछ भी सत्य नहीं है। एक अधिष्ठान चेतन से भिन्न, सबकी एक जाति है, सबके सब जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, परिछिन्न है, परिवर्तनशील है और नश्वर है। सब का सब किसको छोड़ के? एक चेतन तत्व को छोड़। और वो चेतन क्या है? सो ब्रह्म है, तू है वही पुतली नहीं तू। निकल गया। सो ब्रह्म है तू है वही पुतली नहीं तू मांस। जो चेतन है ना वो अकल्पित है। दो ही हम बोलते ना, कल्पित और अकल्पित। चेतन से भिन्न सब कुछ, शरीर से लेकर जगत से लेकर ब्रह्म लोक तक सब कुछ कल्पित। चेतन को छोड़ दो, चेतन क्या है? एक अकल्पित है, एक सत्य, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब स्वप्न। अच्छा जी, तो इसी को बता रहे हैं कि माई कौन है? माया का स्वामी परमेश, जो परमात्मा है वही माया का स्वामी। कह इंद्रजालायते, इंद्रजाल होता है ना, क्या जादू, क्या होता है जादूगर आता है, क्या क्या दिखाता है? बहुत कुछ दिखा देता है, हैं? और झोली में है कुछ उसके, आता है और नोटों का क्या लगा देता है, नोटों का पूरा बंडल लगा देता है, हैं? कपड़ों का पूरा वो लगा देता है। देखा है भी नहीं? देखा है, ये देखा है। अरे तो बहुत दिखाया करते थे, पूरी पूरी हमने देखा है ऐसे चौराहे पर मिठाइयां, कपड़े, कबूतर, मुर्गे, धन संपत्ति, इतना कुछ दिखा देता, वस्त्र आभूषण। और सब दिखाने के बाद फिर कहता, लाओ जी एक एक रुपया दो, 50-50 पैसे मिलते उसको। हम सोचते जब इसके पास इतना है, बच्चे थे, इसके पास इतना है, फिर मांग क्यों रहा है? तो वो सब क्या था? केवल दिखाने के लिए होता है, वास्तव में विद्या है ये। सबकी दृष्टि को ऐसे अवरुद्ध कर देता है, जो वो दिखाना चाहता है सबको वही दिखता है। दूसरे के शरीर से पैसे भी मांगना शुरू कर देता है और मिठाई भी खिला देता है लोगों को, मिठाई भी खिलाता है, बहुत कुछ करके दिखाता है वो। और है कुछ? कुछ भी, इतना इतना धन दिखाएगा और फिर बेचारा कटोरा लेगा, कटोरा, और कटोरे में कोई उसको कोई 10 पैसा, कोई 5 पैसा, पुराने जमाने में, गरीब जमाने में कोई एक रुपया कौन दे? क्यों जी? देखो वो जो दिखाना चाहता है वो दिखता है ना उस समय, और टोकरे से निकाल के दिखाता है वो झोली में, होता कुछ नहीं उसमें ऐसे। तो ये इंद्रजाल, तो वैसे ही इंद्रजालायते किम कह प्रपंच अयम, ये जो प्रपंच है ये भी इंद्रजाल ही है। जादूगर का क्या है? ये जादूगरी से जादू है, जादूगर, जादूगरी और जादू,
क्या इसको कैसे बोलेंगे, माया, मायावी और उसकी माया का कार्य जगत। मायावी कौन, चेतन ब्रह्म परमात्मा, वो तो क्या है मायावी, उसकी माया से, और ये क्या है, ये उसकी माया का कार्य जगत। इंद्रजाल है उसका क्या है, इंद्रजालिक, इंद्रजाल और ये उसका इंद्रजाल, क्या गड़बड़ हो गया, इंद्रजालिक और इंद्रजाल और उसकी जो जादू माया, उसकी जो माया, तो वह उसी को बता रहे हैं कि इंद्रजाल के समान क्या है, अयम प्रपंच, ये सारा का सारा प्रपंच जगत क्या है, इंद्रजाल मात्र है वास्तविक, जिसको हम क्या मानते हैं, है क्या वास्तव में, ये मायावी की माया मात्र। इसके अलावा इस संसार से जगत से निकलने का, मुक्त होने का कोई साधन ही नहीं। करो उपासना, लोक परलोक में चले जाओगे, सब कुछ तो मन से कल्पित है, सब कुछ कल्पित है। अभी भावना करो, विष्णु की भावना करते रहो करते रहो करते रहो, विष्णु जो है वो आकार रूप लेकर के सामने प्रकट हो जाएगा, लेकिन है क्या वो, भावना मात्र है क्या, वो संकल्प मात्र है क्या, वो विचार मात्र, ये सब कुछ विचार, हमारा जो संकल्प, हमारा जो भाव, हमारा जो विचार है, वही तो क्या हो गया, वही साकार हो गया है, इसी को हम वासना बोलते हैं। हमारी जो वासना है और हमारे जो विचार है, संकल्प है, भाव है, वही क्या हो गया, आकार रूप धारण कर लिया, इसी में फंस जाता है। तो इसके अलावा, इस ज्ञान के अलावा, संसार से निकल, पुनः पुनः जन्मते मरते रहो, स्वर्ग लोक में जाओ, उत्तम लोकों में जाओ, और फिर पुनः पुनः जगत अनुभव करते रहो, अनुभव ही तो कर रहे हैं हम, जैसे लेटे हुए हैं अपने बिस्तर पर, और अनुभव क्या करते हैं, स्वप्न में जंगल में हूं मैं, हैं बहुत बीहड़ जंगल, शेर पीछे पड़ा हुआ है, रात हो गई है, सर्दी में ठिठुर रहा हूँ, भूख लगी है, हैं सियार दौड़ रहे हैं, ये सब क्या है, लेटे अनुभव कर रहे हैं ना। तो वास्तव में ये जगत कहीं नहीं है, अपने में है, और इसको हम अपने में अपने मन से अनुभव कर रहे हैं, जगत कहीं है नहीं, कि कहीं टिका हुआ है लोक पर लोक, सबका सब यहीं बैठे बैठे अनुभव कर रहे हैं। कहाँ बैठे बैठे, हमारा मन अपने आप में बैठा हुआ, क्या क्या आना जाना कहीं नहीं पड़ रहा है, ना कहीं आता ना कहीं जाता। अब जैसे शरीर छूटता है तो क्या अनुभव होता है, जैसे सुना हुआ है पुराणों में लोगों से, ऐसा अनुभव होता है कि जीवात्मा निकला यो 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 पार करते 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 कहाँ पहुंच गया, कोई कहता है चौथे आसमान पर है भगवान, कोई कहता है सातवें आसमान पर है, क्या कहते हैं, कहाँ है भगवान, सातवें आसमान पर, कोई चौथे आसमान पर बता, लेकिन वास्तव में यही का यही अनुभव कर लेता है। जैसे स्वप्न को अनुभव करता है वैसे ही अपना मन ऐसी अनुभव कर लेता है। यूं मत समझ लेना कि अच्छा जी ये संसार के किस कोने में है वो सूरज स्वर्ग, ये बताओ एक तो हमें, और किस कोने में है ब्रह्मलोक, किधर है विष्णु वाला, किधर है, हैं वो बताओ, कहीं नहीं है,
सबके सब क्या कर लेता है, अनुभव कर लेता है। जैसे स्वप्न को अनुभव करता है वहां पर सुख दुख भोगता है, ऐसी वो अनुभव कर लेता है, ऐसी इस जगत को अनुभव कर रहा। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये कहां अनुभव में आए? जो जगत को सत्य मानते हो तो उनको अनुभव में नहीं आएंगी ये बात। और जो समझ जाएंगे कि सारा का सारा दृश्य जगत सत्य नहीं, केवल क्या है, संकल्प मात्र है। क्या है? संकल्प मात्र है, पूर्णा मात्र है, वो समझ जाएंगे। ये तो सब अपने में भासने लग जाते हैं बिना कुछ किए ही। जैसे राजा लवण का आएगा ना योग वशिष्ठ में, गद्दी पर बैठा है, बैठे बैठे ही सब अनुभव में आने लगा ना कि वो घोड़ा लेकर के आया, मैं उस घोड़े व्यापारी और मैं घोड़े पर बैठा, घोड़ा मुझे बहुत दूर ले गया, सबसे बिछुड़ गया है, कई भूखंड पार कर लिए, फिर वहां पहुंच गए, अंधेरा हो गया, घोड़ा थक गया, मैं भी थक गया, घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा भाग गया, अकेला रह गया, भूखा प्यासा मर रहा हूँ। वो फिर जैसे तैसे रात कटी, चंडाल कन्या मिली, उससे प्रार्थना की पानी दे भोजन दे, उसने कहा मेरे पिता से अनुमति ले, पति रूप में स्वीकार, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर। फिर वो सब कुछ हुआ, फिर घर गृहस्थी बच गई है, फिर वहाँ काल पड़ गया, फिर वो जल के मरना चाह ही रहा था, इतने में हुआ क्या, कहाँ गया था राजा लवण? तो वहीं बैठे बैठे अनुभव हो गया ना, तो वैसे ही वहीं बैठे बैठे अनुभव हो रहा है। जैसे लेटे लेटे स्वप्न का अनुभव हो जाता है जगत का, वैसे ही अपनी आत्मा में ये जो मन है, बिना कहीं आए गए सारे के सारे जगत को क्या कर रहे हैं, सत्य और रहस्य की बात तो ये है। लेकिन आप लोग तो क्या मानेंगे, सब कुछ रहस्य क्या, सत्य ये है और फिर स्वर्ग है, उस साइड में क्या है, जहां अंधेरा है वहां नरक है, जहां जहां लाइट है प्रकाश है वहां वहां क्या है, वो क्या बोलेंगे, हेवन, और उधर क्या है, हेल। ऐसा ऐसा मानते हैं ना, ऐसा ये सब मान्यता है। जैसा मानो वैसे देखने लग जाता है, वैसे मान्यता तो देखो ये, जैसा मानो वैसा ही देखने लग जाता है। शत्रु मानो तो शत्रु देखने लग जाता है, मित्र मानो तो जैसा मानो वैसे देखने लग जाता है, सुंदर मानो तो सुंदर देखने लग जाता है, असुंदर मानो तो वैसे देखने लग जाता है। नहीं, जैसा मानो वैसा ही दिखता है ना, नहीं हाँ, क्योंकि सब कुछ माना हुआ, सब कुछ कल्पित है। वास्तविक तो जो है वो चेतन ही है। अच्छा जी, आगे वाला भी तो देखो, कुछ समय भी हो गया। तो इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल के समान तो ये प्रपंच ही है। कह स्वप्न निभा जगत व्यवहार, स्वप्न के समान क्या है जी, ये संपूर्ण जगत का व्यवहार, ये सब स्वप्न है। अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान की तरफ चल रहे हैं ना, ये संपूर्ण व्यवहार क्या है, स्वप्न है। जिसको सत्य मान, स्वप्न है सत्यम अपि च किम। अच्छा जी चलो ठीक है, सत्य भी तो बता दो, सत्य क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मा। सत्य क्या है? जो व्यापक सत्ता है वही क्या है, वही सत्य। व्यापक सत्ता को क्या बोलते हैं, ब्रह्म, चेतन, वही सत्य है। और बाकी सब का सब क्या है, स्वप्न के समान है। ये सारा जगत व्यवहार इंद्रजाल मात्र है, जिसको बचपन से ही क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। बचपन से ही सत्य मानते हैं, जबकि ये क्या है,
झूठा। स्वप्न से जाग के हम जागृत में ना आकर फिर स्वप्न में देखते हैं, जागृत में भी स्वप्न को ही देख रहे हो। स्वप्न से गिर स्वप्न में ही हो, जागृत ही फिर इसी को जागृत कह रहे हैं स्वप्न। लेकिन ये बात जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि क्या है सूक्ष्म है, राग रहित है, सत्य को खोज रही है, ऐसी बुद्धि ही समझ सकती। संसारी की बुद्धि में ये बात समझ आएगी, वो संसार को ही सत्य मान, संसारी की बुद्धि में नहीं आई। लेकिन सत्य बात यही है कि ये प्रपंच इंद्रजाल मात्र है, ये जगत स्वप्न के समान है और सत्य तो एक ब्रह्म है। बाकी का विचार ओम।